So we are now entered in module number 5, and module number 5 is the rainwater harvesting. It is a very small module which can be covered in two classes. So we'll take a first class today, where if you see the topics will be need of rainwater harvesting, annual potential, collection of rainwater for a direct use or a groundwater recharge. Last one is a rooftop rainwater harvesting. So we'll try to cover these two topics in today's lecture, need of rainwater harvesting as well as the annual potential. So this is a very general term. I guess from sixth or seventh class, you might be heard about this rainwater harvesting. बचपन से ही हमको ये बताया गया पढ़ाया गया है कि आपका जो रेन वाटर है उसे आपने कलेक्ट करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, देन इसको रीयूज करना चाहिए. तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट है आपका, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड यूज, तो ये जो फोर स्टेप्स हैं, यही होता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब इसमें यूज जब हम बात करते हैं तो दिस कैन बी यूज फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस, दिस कैन बी यूज फॉर द गार्डनिंग पर्पस, sometimes this can be used for a drinking purpose. तो ये ऐसे इसके यूज हो सकते हैं, या इन्फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, इरीगेशन के लिए यूज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर पर्पस के भी इसको यूज किया जा सकता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है, नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी बाय विच रेनफॉल इज गैदर्ड एंड स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज. वेरी सिंपल, in simple statement we can define it, rainwater harvesting a simple strategy by which rainfall is gathered and stored for a future use. The process involves collection, storage of rainwater with the help of artificial design system that run off a natural or man made catchment area, example rooftop, compound, rocky surface, hill slopes or artificial repaired impervious or semi impervious land surface. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो भी आपका मीन हो उसके हिसाब से आप जब वाटर को आर्टिफिशियली तरीके से आप स्टोर कर रहे हो तो दैट विल बी जनरली नोन एज योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, तो अगर हम बात करें घरों में किस तरह से यूज कर सकते हो, तो आप अपने घरों का रूफ टॉप जो है उसको आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आपके कंपाउंड में अगर वाटर आपने कलेक्ट किया उसको आप यूज कर सकते हो, रॉकी सरफेस के ऊपर में अगर वाटर का स्टोर हो गया होगा तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, हिल स्लोप्स है उससे वाटर आप रन ऑफ वाटर को कलेक्ट करके आप उसको भी यूज कर सकते हो, और यू कैन मेड अ सिंपल मैन मेड कैचमेंट एरियाज जस्ट लाइक कप शेप का रहेगा या थोड़ा सा कर्व शेप का रहेगा, दैट इज नोन एज अ कैचमेंट एरिया. सो यू कैन डू इन दैट वे. कई बार होता है सॉइल जो होती है परवियस होती है, परवियस होगा तो वाटर धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट होगा, जैसे जैसे वाटर रन ऑफ होगा वाटर इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा तो वो भी आपको वाटर टेबल को राइज अप करेगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन दिस. द कलेक्टेड रेन वाटर फ्रॉम अ सरफेस ऑन व्हिच रेन फॉल्स मे बी फिल्टर्ड, स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द डिफरेंट वेज और डायरेक्टली यूज फॉर द रिचार्ज पर्पस. व्हेन वी से ओके, यहाँ तो सिंपल यूज के बारे में हम बात कर लिए. व्हेन वी से रिचार्ज पर्पस, इसका मतलब ये है कि कई ऐसे एरिया हैं इंडिया में जहाँ पे हमने वाटर को, ग्राउंड वाटर को इतना एक्सट्रैक्ट कर दिया है कि वो वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है. ऐसे केसेस में क्या है कि आप वाटर को एडिशनली उसमें ऐड कर सकते हो, सो दैट एडिंग ऑफ द वाटर इन दैट पर्टिकुलर लैंड और एरिया इज नोन एज अ रिचार्जिंग रिचार्ज. ठीक है, सो उसको बोलते हैं रिचार्ज. एक अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, अगर कोई जैसे नॉर्मली कोई एरिया में अगर आपका हैंडपम्प होगा तो आपने देखा होगा शायद कोई हैंडपम्प, कुछ कुछ हैंडपम्प जो रहते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, उसमें से कितना भी आप हैंडपम्प हैंड को यूज करो, अप एंड डाउन करो, बट उसमें वाटर से वाटर आपका आता नहीं है. इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पे आपका वाटर जो है वो ड्राई हो चुका है, वहाँ पे कुछ वाटर अभी बचा नहीं है. इस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग टैंकर लेके आते हैं या फिर हम लोग ग्राउंड वाटर कहीं और ग्राउंड वाटर को फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे उस होल में, उस पर्टिकुलर डिग में या उस ट्रेंच में या ये बोलिए कि बोर होल में हम क्या करते हैं कि वाटर को पोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उस ग्राउंड का वाटर टेबल है वो धीरे धीरे राइज अप होता आएगा. सो दैट इज नोन एज अ रिचार्ज. नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज विद रिलेटिवली लेस स्टोरेज कॉस्ट एंड नो मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व एक्सेप्ट फॉर अ पीरियोडिकल क्लीनिंग. आपको मैं बता दूं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर इज द रेन वाटर. आई रिपीट,
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वॉटर इज द रेन वॉटर. हम जो वाटर पीते हैं दैट इज नॉट अ प्योर फॉर्म. वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जब भी हम बात करेंगे दैट इज H2O, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. जब भी आप पानी पीते हो दैट इज अ मिनरल वाटर. बहुत बार बहुत लोगों के घर में RO लगे हैं या मिनरल यूनिट्स लगे हुए हैं, जो क्या होता है वाटर को प्योर तो करेगा, उसमें से सारे एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, लेकिन एक सम अमाउंट ऑफ एलिमेंट उसमें मिनरल जो है उसमें ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वाटर थोड़ा सा फ्रेश लगता है पीने के लिए भी. अदरवाइज अदरवाइज आपका जो प्योर फॉर्म वाटर है H2O, वो उसमें टेस्ट नहीं होता है. ये आपको मैं बहुत क्लियरली तरीके से मैं बता दूँ, वो आपका प्योर फॉर्म होता है, ठीक है. बट जो रेन वाटर है आपका, दिस इज अ प्योरेस्ट फॉर्म, क्योंकि ये सीधा कंडेंस होता है, कंडेंस होके फिर से वो वापस से प्रेसिपिटेट होता है. नाउ व्हाट हैपन कि आज की डेट में हम बोलते हैं कि जो हमारा रेन वाटर है दैट इज एसिडिक वन, वो मतलब एसिड वाटर करके हम बोलते हैं कई बार. बट वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो पोल्यूशन है वो आपके एटमोसफेयर में इतने ज्यादा है, SOx हो गया, NOx हो गया, ये जो होता है वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच हो जाता है, जिसके कारण जब भी वाटर फर्स्ट जब भी पहला बारिश होता है या फर्स्ट रेन वाटर जब आता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो जनरली हमारे पेरेंट्स हमको मना करते हैं कि पहली बारिश में हमें नहीं भीगना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसको बोला जाता है एसिड रेन करके हम बोलते हैं, ठीक है. क्योंकि आपका जो पोल्यूशन है, आपका एटमोसफेरिक पोल्यूशन है, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऐड हो जाता है, दैट्स व्हाई उसको थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि ये आपका एसिड वाटर, एसिड रेन वाटर है करके. बट अदरवाइज अगर मैं इस बात को इग्नोर करूं देन डेफिनेटली रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. या फिर अगर आप उसे जैसे अगर आपने कोई बीकर में अपने वाटर को कलेक्ट कर लिया है और ऊपर में अगर आपने कॉटन रख दिया या कपास का एक लेयर रख दिया एंड उसमें से वाटर निचोड़ के आप पानी पियोगे दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर. आई कैन से दैट, ओके. एक्सपेरिमेंटली मैं बता रहा हूँ कि दैट दैट वी कैन से विद डिपेंडिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स ऑफ द फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट कंडीशन दिस मेजर कैन गो अलॉन्ग वे टू हेल्प मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट राइजिंग ऑफ वाटर स्कैरसिटी. अब जैसे जैसे हमारा ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होते जा रहा है, ठीक है, मतलब पॉल्यूशन हमारा बढ़ते जा रहा है, ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन हमारा बढ़ते जा रहा है. किस वजह से बढ़ते जा रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है, हमारा जो घरों से वेस्ट निकल रहा है वो भी बहुत बार हम लोग क्या होता है कि रिवर में सीधा डिस्चार्ज कर देते हैं या हम पॉन्ड में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ के कंडीशन खराब हो रही है और उसके नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो भी कंटामिनेट होते जा रहा है. बट अगर हम हमारा रेन वाटर जो है उसी ग्राउंड में अगर दोबारा डालेंगे तो एक तो ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाएगा और दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन है उसको भी वो रिमूव कर देगा. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू ड्रॉ डायग्राम ओवर हियर. से सपोज करो कि ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ कंटेमिनेंट यहाँ पे अवेलेबल है और इतना आपका वाटर लेवल है, ठीक है. अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे रिड्यूस करना है, आई रिपीट, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे रिड्यूस करना है तो व्हाट द सिंपल वे इज कि आप इसमें एडिशनल वाटर ऐड करो, इस वाटर लेवल को आप बढ़ा दो. इस वाटर लेवल को बढ़ाने से क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का वो अभी कम हो जाएगा, या ये पॉल्यूशन का जो पॉल्यूटेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इन द सेम वे हम क्या करते हैं कि अगर हमारे ग्राउंड वाटर में कुछ अगर प्रॉब्लम होगा या पोल्यूट होगा या कुछ ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा होगा, तो क्यों ऐसा है, क्योंकि उस पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है. उस पॉल्यूटेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, अगर हम एडिशनल वाटर ऐड करते हैं, हमने उसमें ग्राउंड रिचार्ज किया या वाटर टेबल का राइजअप हमने किया, तो डेफिनेटली है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है जो डिप्लीशनिंग हो रहा है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. सो दैट्स वाई दिस कैन बी डन लाइक दैट. देन रिजर्विंग रेन वाटर कैन हेल्प रिचार्ज लोकल एक्वीफर, रिड्यूस अर्बन फ्लोडिंग एंड मोस्ट नोटेबली इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी इन द वाटर स्केयर जोन. नाउ दिस इज अ स्केमेटिक डायग्राम ऑफ दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द रूफ सर्फेस. ये रूफ सर्फेस से वाटर स्लोपिंग के थ्रू आपका वाटर कलेक्ट होगा. कहाँ कलेक्ट होगा? इट विल बी कलेक्टेड ऑन दिस गटर. ये गटर से होगा, ये फिर से इसमें देखिए स्लोप है,
ये स्लोप है और ये जो आप वाटर है आपका नीचे की तरफ में आएगा। नो व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन प्रोवाइड अ लीफ ट्रैप। लीफ ट्रैप हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि मान लो ये फ्लोटिंग है, अगर कोई पेड़ पौधे का पत्ता वत्ता जो भी है अगर इसके साथ में आ रहा होगा तो यहीं के यहीं वो क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे पहले हम लीफ ट्रैप प्रोवाइड करते हैं। दिस इज अ फिल्टर यूनिट, एक सिस्टम बनाया जाता है आपके वाटर क्लीन वाटर को आगे जाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज कि यहाँ पे नाउ यू कैन सी दिस इज अ पेंटेड पीवीसी स्टैंड पाइप, दिस इज योर स्टैंड पाइप, दिस इज योर स्टैंड पाइप। एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज अ ट्रांसपोर्ट पाइप, ये आपका ट्रांसपोर्ट पाइप है। उसके बाद में अगर आप देखोगे बॉटम में, सो दिस इज अ डेब्रिस ट्रैप। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका रेन वाटर आएगा तो यहाँ पे जितना भी उस सरफेस में कोई भी डेब्रिस अगर अटैच होगा तो उस वाटर के प्रेशर के थ्रू वो भी ट्रांसपोर्ट होगा और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उस पाइप के थ्रू आएगा और यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू होगा। जो डेब्रिज होगी वो डेब्रिज यहाँ से आएगा और डेब्रिज जो होगा यहाँ कलेक्ट होना शुरू करेगा। सो दिस इज द ट्रैप वेयर डेब्रिज कैन बी कलेक्टेड। ठीक है, उसके बाद में आपका ये डेब्रिज कलेक्शन यहाँ होगा, लेकिन जो भी आपका वाटर होगा वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके बाहर निकलेगा। एंड यू कैन से आपका जो पानी अगर आपको निकालना है बाहर, देन यू कैन रिमूव फ्रॉम दिस क्लीन आउट एंड डाइवर्टर, ये क्लीन आउट एंड डाइवर्टर दिया हुआ है। ठीक है, एनी वे इफ यू डोंट वॉन्ट टू रिमूव वाटर फ्रॉम दिस, यू वॉन्ट टू फिल्टर द वाटर, देन डेफिनेटली यू कैन फर्दर गो अहेड इन दिस वे। अब यहाँ पे फिर आप ग्रेविटी फिल्टर लगाइए, आपने ग्रेविटी फिल्टर लगाना है। उसके बाद रूफ वॉश बॉक्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद में आप ये सम प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ पे वाटर को आप स्टोर करोगे। एंड देन यू कैन प्रोवाइड अ पंप, ये एक पंप यहाँ पे अटैच करो। ठीक है, और उसके बाद में इस वाटर को आप चाहे तो कोई भी पर्पज से आपको जहाँ पे यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे सिस्टम बोला है आप डब्ल्यू सी में यूज करना है, डब्ल्यू सी में यूज करो। वाटर आपको आपको अगर अपने यूटेंसिल्स होना है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, वॉट एवर इट मे बी, जो भी आपको उसका यूज है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। नाउ इफ यू कैन सी दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ सैनिटेशन सिस्टम दैट यू कैन डू, देन पाइप वाटर सप्लाई दैट कैन बी डन। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल वन एंड वेरी यूजफुल वन, बहुत नॉर्मल स्कीमेटिक डायग्राम है ये आपका जो जनरली यूज होता है हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ टिपिकल रेन वाटर कलेक्शन एंड अ प्यूरिफिकेशन सिस्टम ड्रेनेज, वेयर एज यहाँ पे हमने देखा कि एक साइड में ये सिस्टम को अटैच किया गया था। इसमें आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड को भी हम लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं। दिस स्लोपिंग इज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ द वाटर, तो ये आपका कलेक्शन चैम्बर हो गया, दिस इज योर कलेक्शन, जनरली इसको गटर बोलते हैं, तो ये आपका गटर से वाटर कलेक्ट होगा एंड इट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दिस हॉपर सेक्शन, और उसके बाद में फिर आप इसको कलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे 150 गैलन सिस्टम टैंक में। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन पास फॉर द योर आपका फिल्ट्रेशन एंड ऑल, आप फिल्ट्रेशन कीजिए, स्टरलाइजेशन कीजिए, उसके बाद में आप उसको घर के काम के लिए आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अनदर सिंपल वन। नाउ दिस इज टिपिकली रेन वाटर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेन वाटर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि आपका जो भी रूफ से वाटर कलेक्ट होगा वो सारा का सारा आपका यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो ये जो पाइप है आपका, ये गटर लाइन है वाटर कलेक्ट करने का, ये यहाँ पे आएगा वाटर कलेक्ट करेगा, उसके बाद में इधर सेट करेगा, फिर यहाँ से प्यूरिफाई होगा पंपिंग करके, इसको वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग रीयूज कर सकते हैं, इसको बाद में आप चाहे तो रिसर्कुलेट कर सकते हो लाइक दिस। आप यहाँ पे डब्ल्यू सी के यूज कर सकते हो, यू कैन यूज फॉर फ्लशिंग ऑफ द यूरिनल्स, देन इन दिस वे यू कैन यूज दिस, तो ये जनरली यूज होता है। उसके बाद आप इसे गार्डनिंग पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हो, इन दिस वे यू कैन सी ये गार्डनिंग पर्पस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाने की कोशिश किया इसमें। ठीक है, नाउ
इन ओल्डर डेज ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट ओनली, जहाँ पे आप सिंपली वाटर को एक बड़े से घड़े में आप आसानी से इकट्ठा कर सकते हो. वेर एज यू कैन सी इट इज अ कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, कंपोनेंट थ्री. कंपोनेंट वन जो है आपका दैट इज अ डिलीवरी सिस्टम, कंपोनेंट टू इज योर स्टोरेज रिजर्वायर, सॉरी नंबर वन इज योर कैचमेंट एरिया, नंबर टू इज योर डिलीवरी सिस्टम एंड नंबर थ्री इज योर कैचमेंट रिजर्वायर. जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं कैचमेंट रिजर्वायर. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल वन. ये बहुत पुराने तरीके से यूज होते आ रहा है, कोई एकदम से नया कॉन्सेप्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, नाउ सिमिलरली अ टिपिकल कंपोनेंट ऑफ अ होल हाउस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यू कैन सी ओवर हियर, जो हमने पहले डायग्राम में भी देखे, पहले डायग्राम में भी हमने देखा था उसकी सेम आपको दिखेगा, जहाँ पे गटर सिस्टम आपको दिखेगा. देन ये एक फिल्टर यूनिट है, ये आपका एक फिल्टर यूनिट है, उसको थोड़ा सा इनलार्ज हम करेंगे तो उसमें ये दिखेगा. दिस इज फ्रॉम गटर, ये आपका इनलेट हो गया. उसके बाद टू सिस्टम टैंक, ये आपका आउटलेट हो गया. उसके बाद में दिस इज अ लीफ स्क्रीन, पेड़ पत्तियों के जो जितने भी पत्तियां अगर होगी कुछ होगी तो दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम दिस लीफ स्क्रीन. एंड दिस 30 माइक्रोन फिल्टर यहाँ पे लगा रहेगा जो वाटर को फिल्टर करके आगे भेज देगा. देन अगर आपको वाटर ड्रेन आउट करना है यहाँ से तो देयर इज अ टैप यू कैन ड्रेन आउट और फर्स्ट फ्लश डाइवर्टर्स भी है, मतलब उसको इतने क्वेश्चन को बोला फर्स्ट फ्लश डाइवर्टर्स. तो यहाँ पे जो डेब्रीज वगैरह हैं वो आपके कलेक्ट होंगे, देन यू कैन रिमूव फ्रॉम दिस. नाउ अब ये जो आपका फिल्टर है उसके बाद से अब सीधा सीधा आप यहाँ पे वाटर को स्टोर कर सकते हो. उसके बाद में स्टोर करके इसको आप पंपिंग कर सकते हो, अब हाउस में भेज सकते हो, या फिर मतलब उसके बाद फिल्ट्रेशन करके आप उसको हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो. सो दिस मच पोर्शन इज योर कैचमेंट एरिया, यानी जो रूफ है आपका दिस इज योर कैचमेंट एरिया, राइट. सो उसको आसानी से हम लोग यूज करते हैं और किया जाता है, वेरी सिंपल वन. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट. ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नीड क्या है, हमें करना क्यों चाहिए, वो पॉइंट्स को कुछ इसमें कवर किया गया. दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है नीड ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो वेरी फर्स्ट इज इंक्रीजिंग वाटर डिमांड्स और नीड. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग वाटर डिमांड एंड नीड्स. कई जगह ऐसे भी एरिया है, जैसे मराठवाड़ा पर्टिकुलर टिपिकल एरिया अगर मैं बात करूँ तो मराठवाड़ा ऐसे एरिया है जहाँ पे आज भी मतलब सूखा आपको बहुत दिख जाएगा, ऐसी जगह पे ये बहुत आपको यूजफुल हो जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. द रैपिड राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज मेड ऑप्टिमम यूज ऑफ फ्रेश वाटर इम्पेरेटिवली. आप डायरेक्टली फ्रेश वाटर को यूज कर सकते हो. अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम इन पर्टिकुलरली आर अंडर अ ट्रेमेंडस प्रेशर टू मीट द नीड ऑफ द पॉपुलेशन एज वेल एज द इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल ऑफ द कंस्ट्रक्शन. जितने भी अर्बन एरियाज में है उनकी म्युनिसिपल गवर्नमेंट कॉरपोरेशन को बहुत प्रेशर होता है, ताकि क्योंकि उनको वाटर डिमांड सप्लाई को पूरी करना है. हमारा जो सोर्स है उसमें से पानी खत्म होते जा रहा है. ठीक है, जो वाटर डिमांड है नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए रहेगा, वाटर डिमांड आपके मार्केट के लिए रहेगा, वाटर डिमांड आपके इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रहेगा, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, जो भी एरिया आपका कंस्ट्रक्शन एरिया है या कंस्ट्रक्शन कंपनीज है तो उसको भी वाटर का डिमांड रहेगा. सो वाटर डिमांड करना इतना ईजी नहीं है आज के डेट में, क्योंकि देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ वाटर. सो अल्टीमेटली वी हैव टू डिपेंड ऑन द रेन वाटर. द इंक्रीज नीड फॉर अ वाटर रिजल्ट इन अ लोअर ग्राउंड वाटर टेबल एंड डिप्लीट रिजर्वायर. यस ऑफ कोर्स, जहां पे आपको वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, तो ऐसी जगह पे हम लोग रेन वाटर के थ्रू उसको रिचार्ज कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंजम्पशन ऑफ ए पोल्यूटेड वाटर इन सॉरी कंजम्पशन ऑफ ए पोल्यूटेड वाटर इज बेस्टेड विद द हेल्थ हैजार्ड्स. तो पोल्यूटेड वाटर जैसे हो रहा है तो उसको हम लोग अगर हम वाटर रिचार्ज करेंगे तो उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं. द यूज ऑफ रेन वाटर इज अ यूजफुल अल्टरनेटिव. ऑफ कोर्स this is proven that rain water is an alternative source of the water. Then variation in a water availability.
The availability of a water from a source such as a lakes, rivers, and a shallow groundwater can be fluctuate strongly. Yes, that is true कि जो भी आप water हम जहाँ से ले रहे हैं उसमें उसका जो भी water का volume होगा वो reduce होते जा रहा है. आज पानी मिल रहा है, future में पानी नहीं मिलेगा, that is difficult. Okay, so there will be a scarcity of water, so this can be an alternative one. Unchecked rainwater runoff is causing a soil erosions. अगर आपने rain pressure के होने के कारण क्या होगा, soil को erode कर देगा वहां से, और ऐसे में जब अगर soil erosion हो गया then definitely जो roots की पकड़ होती है, roots का holding होता है with the soil, that can be loosened and in that case जो आपका पौधा है या जो आपका पेड़ है it may be fall on. Okay, that's why that is also important. Then collection and storing rainwater can provide a water for domestic use in periods of a water shortage. That is true. अगर आपने आपके पास में पानी नहीं आएगा या पानी का shortage होगा then आपको domestic purpose के लिए आप आराम से इसको use कर सकते हो. Rain water may also provide a solution when the water quality is low or varies during the rainy season in a river and other surface. हाँ, अगर आपका किसी कोई साल में अगर पानी आपका कम गिरा है, अगर आपने इसको स्टोर करके रखा है तो आपको वो यूजफुल हो सकता है. Then responsibility to water protecting a nature. Yes, this is a responsibility of us to protect our nature. तो उसके लिए भी ये points valid है. Like using more of rainwater helps to conserve and augment the storage of the groundwater. अगर हम rainwater को ज्यादा use करेंगे तो जो हमारे water हमारे पास में stored water है उसका consumption कम होगा. ऐसे में क्या होगा कि ये जो स्टोर वाटर है वो फ्यूचर में भी हमारे काम आएगा. इट हेल्प्स टू अरेस्ट द सी वाटर इंट्रक्शन इन अ कोस्टल एरिया. इसकी वजह से आप देख सकते हो कि कोस्टल एरिया का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे राइज अप हो सकता है. वो दैट कैन बी हेल्पफुल टू हिम. इट हेल्प्स टू अवॉइड अ फ्लड एंड वाटर स्टैगनेंट इन अर्बन एरियाज. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि वाटर छत से आएगा, छत से आपके ग्राउंड में चले जाएगा या यू ही वेस्ट होता रहता है. तो अगर हम कुछ वाटर का यूज कर लेंगे तो अननेसेसरी का वाटर बहेगा नहीं, कहीं सिटी में जाके कलेक्ट होगा नहीं. आप उसको यूज करोगे तो आपका फ्लडिंग एरिया को आप कंट्रोल कर सकते हो, या वाटर स्टैगनेंट कहीं मतलब इकट्ठा होगा पानी तो वो उसको चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं. नाउ रिड्यूसेस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल. ये अगर हमने वाटर हार्वेस्टिंग को प्रॉपर तरीके से यूज किया तो हम लोग हमारा जो वाटर कंजप्शन है या वाटर के पीछे जो हमारा बिल आता है उसको हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. Then next is advantage to collection and storage near place of use. Traditionally, sources are located at some distance from the community. Collecting and storing water close to a house will improve the accessibility. Now, आज हमारे घरों में पानी आ रहा है, that is okay. But there are so many rural area where आज भी 100 meter तक के distance में आपको पानी available नहीं होता है. उनको क्या करना पड़ता है कि उनको उनको आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर दूर जाके पानी को लेके आना पड़ता है. उनको एक्सेसिबल नहीं है वाटर. ठीक है, तो ऐसी जगह पे भी हम अगर वाटर को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग आसानी से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ वाटर क्लोज टू हाउस विल इंप्रूव द एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ अ वाटर सप्लाई एंड हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ. इट कॉस्ट लेस टू कलेक्ट रेन वाटर देन टू एक्सप्लॉइट अ ग्राउंड वाटर. Only traditional knowledge, skill, and materials can be used to collect the water, and no government technical assistance is required for repair and maintenance. हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई गवर्नमेंट के पीछे डिपेंडेंसी रहने की जरूरत नहीं है. इंडिविजुअल पर्सन कैन डू इन देयर होम बाय देमसेल्फ. ठीक है, वो कर सकते हैं. कलेक्टिंग रेन वाटर इज द ओनली वे ऑफ रिचार्जिंग वाटर सोर्सेज एंड रिवाइटलाइजिंग ड्राई ओपन वेल्स एंड ड्राई हैंडपंप. जैसे स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत से हैंडपम्प्स या डगवेल्स जो है क्या है कि एम्प्टी हो चुके हैं. तो ऐसे में अगर हम रेन वाटर कलेक्ट करके हमने उसको रिचार्ज कर दिया दैट विल बी हेल्पफुल. इट कैन आल्सो स्ट्रेंथन द सेंस ऑफ ओनरशिप. इट गिव्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटी टू कम टुगेदर एंड वर्क क्लोजर. ये करने से मतलब जो कम्युनिटी का बॉन्डिंग है दैट कैन बी इंक्रीज, क्योंकि हम एक साथ काम करेंगे तो थोड़ा सा एक वर्किंग टुगेदर विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. It allows for the decentralized control and the community management of the water. मतलब
कम्युनिटी लेवल पे हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे हम वाटर के वेस्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट इज हेल्पफुल इन दैट वे. इट विल प्रोवाइड अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू अ रूरल पुअर इन देयर ओन विलेज. अगर सबने अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी अपने अपने घरों में, तो वहां के लोकल लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. देन लास्ट वन इज अ क्वालिटी ऑफ अ वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई कैन बिकम अ पोल्यूटेड ईदर थ्रू अ इंडस्ट्रियल और अ ह्यूमन वेस्ट और बाय इंस्ट्रक्शन बाय अ इंट्रूशन ऑफ अ मिनरल सच एज आर्सेनिक सॉल्ट ऑफ और फ्लोराइड. रेन वाटर इज द अल्टीमेट फ्रेश वाटर. Then rain water is generally of a good quality. So हमने already discuss किया है. Okay. So reason for rain water harvesting, हमें exactly क्यों करना चाहिए? अगर मैं बोलूँ, then rain water harvesting measures are essential when the groundwater is a brackish or has a high iron or a fluoride content. I repeat, कहाँ करना चाहिए हमें? This is essential when the groundwater is a brackish. जहाँ पे ग्राउंड वाटर का कलर आपका थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का हो रहा होगा या रेडिश कलर का हो रहा होगा या उसमें फ्लोराइड कंटेंट मिल रहा होगा, डेफिनेटली ऐसी जगह पे आप लोग क्या करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, वहाँ का वाटर टेबल को इंक्रीज करो और सो दैट आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट है इट विल बी गेट रिड्यूस. देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेजर शुड बिगिन 4 मंथ बिफोर द या कब हमें करना चाहिए, आपको मानसून शुरू होने के पहले ही इसको तैयारी कर लेना चाहिए या बिल्डअप कर लेना चाहिए. एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाटर डिमांड इन अर्बन एरिया फॉर वेरियस पर्पस लाइक किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल ऑफिसेस, मार्केट एंड शॉपिंग मॉल्स, इसलिए आप आसानी से यूज कर सकते हो. फैक्ट्रीज एंड इवन अदर वाटर पार्क कैन ऑल्सो यूटिलाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बेसिकली ये चीजों नाउ इफ यू सी दिस देयर आर टू टेबल्स. दिस इज टेबल नंबर 1 वेयर एज यू कैन सी दिस इज द रेनफॉल डेटा ऑफ अ मेजर सिटी. नाउ दिस इज टेबल नंबर 2 रन ऑफ ऑफ अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द वेरियस सरफेसेस. नाउ बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आपको जब भी रेन वाटर कैचमेंट एरिया या डिजाइन करने के लिए कभी भी बोला, that is very important ki you must know ki wahan pe annual rainfall precipitation kitna hota hai. theek hai, ye aapne janna zaruri hai. aur ye jo rainfall annual rainfall precipitation hota hai, generally it is in the terms of mm. hum ye mm mein dekhte hain. theek hai, to jaise mumbai hai to aap dekhiye mumbai jaise city mein aapka this is 2146. agar ye mm mein hai, agar isko aap meter mein convert karna chahenge to kitna ho jayega, 2 meter 2.15 meter. This is quite high, huh? This is quite high. Aur ye abhi ka data nahi hai. This is quite old. Meko purana data mila, naya data nahi mil paya. So it is of 1951 to 1980. Iska average GM ne liya. So you can see in Mumbai this is highest one, 2146.6 mm. Now if I see the second highest one, then sorry, Kochi is also highest one. It is a 322.83. If I see another one, then this is a Darjeeling. If you see, then Dehradun is also quite high. Then यहाँ पे Agartala में भी आप देखिए थोड़ा सा high है. उसके बाद में यहाँ पर Shillong में देखिए precipitation वहाँ भी high है. Yeah, Dibrugarh में देखिए यहाँ भी आपका high है. Then Port Blair में भी आपका high है. कहने का मतलब क्या है कि ये आपका पोटेंशियल एरिया हो गया, यहाँ पे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे तो दैट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट्स. नाउ यू कैन सी इन चेन्नई आल्सो दिस मच इज देयर एंड द इन होल इंडिया इन एवरी इन द पैन इंडिया आई कैन से दैट चेन्नई इज द ओनली वन हु हैज मेड अ मैंडेटरी ऑफ अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. चेन्नई ही ऐसा है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी किया है, क्योंकि उनका जो वाटर टेबल था दैट वाज अ वेरी वेरी लो. उनका जो वाटर टेबल था वो बहुत नीचे था. उन्होंने क्या किया, हर घर में रेन वाटर मैंडेटरी रहेगा उन्होंने कहा, और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, वाटर टेबल को रिचार्ज किया. ठीक है, दैट इज ओनली द रीजन. वेयर एज यू कैन सी आई गेस
लास्ट ईयर ओनली चेन्नई में ही थोड़ा सा फ्लडिंग एरिया आया हुआ था, यही रीजन था ताकि क्योंकि वहां पे उन्होंने मैंडेटरी करके रखा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवरीवन हैज टू डू, और जिसके कारण वाटर टेबल भी उसका राइज अप हो गया है। सो कहने की बात है कि जब भी आप किसी के लिए आप डिजाइन करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दैट वे यू मस्ट नो व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल इन एमएम, ठीक है। और ये जो होता है ये आपका रेन गेज के थ्रू आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन, राइट, दिस इज योर प्रेसिपिटेशन वैल्यू यू मस्ट नो वाइल डिजाइनिंग ऑफ द रेन वाटर सिस्टम। सेकेंड थिंग कि रन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरियस सरफेस, अब ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब वाटर है आपका वो रोल होगा, रन ऑफ होगा, तो कुछ पानी जो है, कुछ वाटर जो है वो आपका इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, कुछ इम्परवियस सॉइल के कारण वो इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, तो उसके लिए ये सब दिया रहता है। वेयर एज इफ यू सी द रूफ कैचमेंट की हम बात करते हैं, तो अगर टाइल्स है तो कैलकुलेशन में हम लोग जो कोएफिशिएंट वैल्यू लेंगे 0.8 0.9 लेंगे, देन कोरोगेटेड मेटल शीट अगर होगा तो हम उसमें 0.7 से 0.9 इसका वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ हम ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर ग्राउंड सरफेस कवरिंग अगर आपको करना है तो इसमें दिया हुआ है कि एंटीटेड ग्राउंड कैचमेंट रहेगा तो क्या होगा, देन सॉइल ऑन स्लोप लेस देन 10% रहा, उसके अंदर में ये सॉइल ऑन स्लोप लेस देन 10% रहा तो क्या होगा, रॉकी मटेरियल है तो क्या होगा, बिजनेस एरिया है तो क्या होगा, डाउन टाउन है तो क्या, मतलब हर एक पॉइंट के लिए इन्होंने आपका एक कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे डिजाइनिंग वाले पार्ट में, तो आपको ये दो चीजों का रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी, या आपको ध्यान में रहना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए, या आप वैल्यू अज्यूम करके आप चल सकते हो। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो एडवांटेज में हम बात करते हैं तो दिस इज अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज अ सिंपल एंड अ लोकल पीपल कैन इजिली बी ट्रेन टू बिल्ड दिस देमसेल्फ, दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड एनकरेजमेंट मोर पार्टिसिपेशन ओनरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी एट द कम्युनिटी लेवल। इट इज वेरी वेरी सिंपल, आप ट्रेन कीजिए लोगों को और उसमें वर्कआउट शुरू कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज अ गुड मेंटेनेंस, इसका एडवांटेज है गुड मेंटेनेंस, उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस में आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा ऐसा नहीं है। ऑपरेशन मेंटेनेंस हाउस होल्ड कैचमेंट सिस्टम आर कंट्रोल्ड सोली बाय द टैंक ओनर्स, जिसके घर में वो है वही उस पे मतलब थोड़ा सा पूरा मेंटेनेंस करने का रहेगा, या उसकी फैमिली उसको देखभाल करेगी। ऐसा दिस इज अ गुड अल्टरनेटिव टू पुअर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड पाइप वाटर सप्लाई, देन रिलेटिवली गुड वाटर क्वालिटी। रेन वाटर जो है ये पहले भी हमने डिस्कस किया, बीच में भी आया था कि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। अगर आप उसको कलेक्शन सही तरीके से कर रहे हो, अगर हाइजीन कंडीशन से कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन फॉर द यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज ऑल्सो विद प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड ऑल। एंड जनरली तो इसको हाउस होल्ड बोलिए या फ्लशिंग क्लीनिंग के लिए बोलिए या गार्डनिंग के लिए, तो हम करते ही करते हैं, ठीक है। रेन वाटर इज बेटर देन अदर अवेलेबल ऑफ ट्रेडिशनल सोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर मे बी अनयूजेबल ड्यू टू फ्लोराइड सैलिनिटी एंड आर्सेनिक, दैट इज ट्रू, क्योंकि ग्राउंड वाटर में होता है बहुत बार कि आपके जो हैवी एलिमेंट्स है या नॉर्मल सॉइल से कुछ भी एलिमेंट लीच होकर आप वाटर में आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जैसे फ्लोराइड है, सैलिनिटी, आर्सेनिक है, तो आपके वाटर को पीने लायक नहीं बनाता है। बट रेन वाटर में ऐसा कुछ नहीं है, ये वाटर सीधा कंडेंस होके सीधा फिर आपके प्रेसिपिटेट होके आप उसको यूज कर सकते हो, तो उसमें ऐसा कंटामिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज अ लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो रेन वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नो डैमेज इज डन टू द एनवायरमेंट, इसका कोई भी एक एडवर्स इफेक्ट हमारे एनवायरमेंट में नहीं होता। कन्वीनियंस एट अ हाउस होल्ड लेवल, इट प्रोवाइड्स अ वाटर एट द पॉइंट ऑफ अ कंजप्शन, ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाई अ लोकल जियोलॉजी और टोपोग्राफी। रेन वाटर कलेक्शन ऑलवेज प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव वेयर एज रेनफॉल्स, ये वहीं पे होगा जहाँ पे आपका पानी प्रेसिपिटेशन आप कलेक्ट कर रहे हो या प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये वहीं पे होगा। मतलब राजस्थान में कोई करना चाहेगा तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे पानी ऐसे जनरली आता नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू सूट अ लोकल सर्कमस्टेंसेस एंड अ बजट इन इंक्लूडिंग द इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट टैंक्स, एग्जाम्पल मेड ऑफ अ फेरो सीमेंट, प्लास्टिक और स्टोन एंड ब्रिक्स, ओके।
देन हियर यू हैव हैविंग अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। आप अपने मन से, आप अपने तरीके से कोई भी सिस्टम को आप यूज कर सकते हो, कोई भी मटेरियल को आप यूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो अवेलेबल है उसको आप आसानी से यूज कर सकते हो। नाउ इट हैज सम डिसएडवांटेजेस आल्सो बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। जैसे आप घर बना रहे हो उसके अलावा आपको एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगेगा आपको, क्योंकि टैंक लगने वाला, पाइपिंग सिस्टम लगेगा, इसका फिल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे भी रिचार्ज करना है तो उसके लिए पाइपिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, बोरवेल करना पड़ेगा। सो देर आर अदर थिंग्स जिसकी वजह से आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या एक पहला इन्वेस्टमेंट है दैट इज लिटिल बिट यू फील इट विल बी अ कॉस्टली, बट अदरवाइज उसके बाद उसमें कोई कॉस्ट लगता नहीं है। द कॉस्ट ऑफ अ रेन वाटर कैचमेंट सिस्टम इज ऑलमोस्ट फुली इंक्योर्ड ड्यूरिंग इनिशियल कंस्ट्रक्शन। Cost can be reduced by a simple construction and the use of a local materials. Now, uses and maintenance, proper operation and a regular maintenance is a very important. That is very true. देखो यहाँ maintenance cost नहीं लग रहा है, लेकिन उसको maintenance attention जरूरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी आपका बारिश होगा तो precipitation जब भी होगा, collection जब भी होगा, तो this is a high chance that कि आपके water के साथ में आपके roof में अगर कोई debris है, leaf है, तो ये सारा का सारा आपके वाटर के साथ में मिक्स होके आपके जो ट्रीटमेंट यूनिट आपने उसमें जो प्रोवाइड किया पीवीसी का, वो डैमेज कर सकता है। तो उसको डैमेज नहीं होने के लिए उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को आपको थोरली मॉनिटर करना पड़ता है। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ दैट। देन रेगुलर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड ओकेशनल रिपेयर आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम को सक्सेस रखना है तो आपको क्लीननेस, ऑपरेशन, मेंटेनेंस हमेशा ध्यान में रखना इज मैंडेटरी। Now, water quality is vulnerable. Rainwater quality may be affected by air pollution. जैसे मैंने बताया था, though it is a purest form of water, लेकिन air pollution के कारण जो है आपको water quality थोड़ा degrade हो सकता है। Animal और bird droppings, बहुत बार ऐसा होता है कि आसमान से आपके पंछियाँ जाएंगे तो कचरे जो भी वो लेके चलते हैं वो वहाँ पे डाल सकते हैं। Wind की वजह से आपका जो धूल मिट्टी है वो आपके water के साथ में mix हो सकता है। That can be a possibility. Insects, अगर आपने hygiene condition maintain नहीं रखा तो insects हो सकते हैं, dirt and organic matters उसमें आ सकते हैं, काई जम सकती है। तो there are lot of things which can make the water quality as a vulnerable. Then supply is sensitive to droughts. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जैसे राजस्थान है तो वहाँ पानी का scarcity रहता ही है, तो ऐसी जगह में हमको दिक्कतें होती है, वहाँ useful नहीं होगा। Occurrence of a long dry spell and a drought can cause a water supply problem. Then last one is a limited supply. The supply is limited by the amount of rainwater and the size of the catchment area and the soil reservoir. That is completely true. आप जितना पानी use करोगे उतने पानी को, sorry, जितना पानी store करोगे उतने पानी को ही आप उसमें use कर सकते हो। अगर आपका पानी खत्म हो गया stored वाला तो आप पानी को use नहीं कर सकते हो, ठीक है। So that is very necessary. कि आपका जितना मतलब आपका जितना पानी रहेगा उसको ही आप करोगे। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ देर आर सम सक्सेस स्टोरीज ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेसिव रहा है। द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज यूर चेन्नई, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। चेन्नई हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी For all buildings in the city, सभी buildings में it is mandatory, both old and new, चाहे वो पुरानी हो नए हो। यह amendment करने सभी को बोला था, which claim that 98% of the buildings have been completed with the requirement with C2 with a store rainwater or to recharge it underground aquifer. ठीक है, तो this is a very successive one, मैं थोड़ी देर पहले बताया था। But एक problem और इसके सामने आया था, क्या था वो, कि फ्लडिंग एरिया बढ़ गया आपका चेन्नई में। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम इन चेन्नई। नेक्स्ट वन इज अ बैंगलोर डेवलप्ड अ मास्टर प्लान ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान ऑफ एरिया ऑफ 1279 स्क्वायर किलोमीटर। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट अप टू 25% ऑफ द सिटी रिक्वायरमेंट बाय 2011 कुड बी मेड थ्रू अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो दैट 592 million liters per day equivalent could be harvested in the city. आप सोच रहे हैं, अभी 2011 तक का प्लान था कि इतना मिलियन लीटर्स हम प्रोवाइड करेंगे 2011।
नो द कर्नाटका वेस्ट वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट इज KAWAD इज एड्रेसिंग द वाटर स्कैसिटी एंड इज नाउ ट्राइंग आउट डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर रिजॉल्विंग वाटर यूज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स. सो वर्क इज गोइंग ऑन. चेन्नई में तो हुआ ही हुआ है, बेंगलोर में भी इस पे काम चालू ही है. देन एक्शन ऑफ ए सोशल एडवांसमेंट दैट इज ASA नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एज मध्य प्रदेश वर्क विद 42 ट्राइबल विलेज. आई रिपीट, मध्य प्रदेश ने 42 ट्राइबल विलेजेस में अप्रोक्सीमेटली 25,000 पीपल्स के लिए विद अ लैंड एरिया ऑफ 20,000 हेक्टेयर इन जोबाद वन ऑफ द सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड कैरिड आउट अ वाटरशेड वर्क एट अ स्मॉल रिवर बेसिन. ठीक है, ये 25,000 लोगों के लिए काम हुआ है, 20,000 हेक्टेयर्स के लिए काम हुआ है, 42 ट्राइबल विलेजेस के लिए काम किया है. सो वर्क इज गोइंग ऑन. सो मध्य प्रदेश हैज फोकस ऑन दैट. सो मध्य प्रदेश हैज फोकस ऑन अ डैम डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंटेंसिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एज वेल एज टाइड बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग पीपल्स इंस्टीट्यूशन अराउंड द नेचुरल रिसोर्स इंटरवेंशंस. एज अ रिजल्ट, इसमें इतना काम करने के बाद क्या मिल रहा है उनको? एज अ रिजल्ट द सब सर्फेस फ्लो ऑफ अ वाटर हैज इम्प्रूव्ड. आई रिपीट, ये सब करने के बाद आप देखो सब सरफेस फ्लो ऑफ वाटर हैज इंप्रूव सिग्निफिकेंटली इंडिकेटेड बाय अ इंक्रीज फ्लो इन द स्ट्रीम. आपका जो रिवर है उसमें स्ट्रीम में आपका वाटर जो लेवल है वो बढ़ गया एंड रिवर इन द एंटायर बेसिन कैन ऑल्सो इंक्रीजेस. हैंडपम्प्स एंड डगवेल्स हैव बिकम परमानेंट. ठीक है, पहले मध्य प्रदेश में ऐसा होता था कि बहुत से जो हैंडपम्प्स है डगवेल्स है वो एम्प्टी ही रह जाते थे. While many of the dry dugwells have been revived, okay, many of the dugwells have been revived. Evidence of an increased base flow can be confirmed by the fact that the last 3 years private investment have been directed towards shallow dugwells. So work is going on. So these are the three successive stories which we have I have shared with you. One is your Bangalore story, another one is a Chennai story, and third one is your MP story. Now, furthermore, there is one more thing, that is Sukho Majri. Okay, this Sukho Majri is a small hamlet. A small hamlet को मतलब है कि जहाँ पे 100 फैमिलियाँ रहती है तो उसको बोलते हैं हम लोग हैमलेट. लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए 59 families in 1975. यह कोई नया डेटा नहीं बता रहा हूँ मैं, पुराना डेटा है. 59 families in 1975 and 89 in the 1990 census survey के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, with the average land holding of 0.57 hectare. आपका आधा hectare से थोड़ा सा ज़्यादा located in शिवालिक foothills in India, यानी कि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं. An integrated watershed development program with a major emphasis on rainwater harvesting was planned here. इसमें बहुत बड़ा एक project हुआ था. A 6 meter high earthen embankment pond with a 1.8 hectometer storage to harvest rainwater from a 4.2 hectare catchment was constructed in 1976. I repeat, this is not a new one, this is the old one only. हम ये 1976 की बात कर रहे हैं. Crop yield were doubled. इसका result क्या हुआ? इसका result ये हुआ कि आपका जो crop yield है वो आपका डबल हो गया एज अ रिजल्ट यूज ऑफ अ सप्लीमेंट्री इरिगेशन वाटर एंड इम्प्रोवाइज लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. लाइफ स्टॉक वाटर नीड एंड डोमेस्टिक वाटर गेट इंक्रीजेस. सो ठीक है, सो दिस इज द अनदर सक्सेस स्टोरी जहाँ पे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमने एक यूज देखा विच इज कमेंडेबल. ओके, नाउ दिस इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. अगर इसको हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, ऐसा है कि अगर आपका रेन वाटर जो है वो ओपन लैंड में आपने कलेक्ट किया है देन वो सीधा इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा और परकोलेशन होके आपके ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा. सो दिस इज द वन मेथड जो जनरली होता रहा है, लेकिन इसके प्रॉब्लम भी आते हैं. नहीं, नेक्स्ट वन इज अ पेव्ड एरिया. पेव्ड एरिया ने आपने एरिया से कलेक्ट किया और उसके बाद आपने उसको कलेक्शन किया, आपने कलेक्शन करके स्टोर किया, ठीक है, फिर आप इसको यूज कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज कि पेव्ड एरिया से आपने उसे कलेक्ट किया, उसके बाद उसे इन्फिल्ट्रेशन भेजा एंड देन वो आपका परकुलेशन होके फिर आप उसका ग्राउंड वाटर में डिस्चार्ज कर दिए.
मतलब आपने ग्राउंड वाटर के लिए डिस्चार्ज किया, परकोलेट हो गया और ग्राउंड वाटर में मिक्स हो गया. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज द सेकंड. नेक्स्ट इज अ रोड एंड अ पेवमेंट. आप वहां से आपने वाटर को कलेक्ट किया, ठीक है. और वाटर कलेक्ट करने के बाद आप या तो मेन स्ट्रीट में जाएगा, फिर उसके बाद इम्परमेबल पेवमेंट से वाटर कलेक्ट होगा, स्ट्रीट गटर में जाएगा, देन सोक वे में जाएगा, देन वो परकुलेट होगा और बाद में फिर आपको उसको ग्राउंड वाटर में मिक्स होता है. नहीं तो उसके बाद में रोड एंड पेवमेंट है, उसमें डायरेक्टली फिर आपका स्ट्रीट साइड वॉक में आप कलेक्ट करो, परमानेंट पेवमेंट में जाएगा, फिर वो इन्फिल्ट्रेशन होगा, फिर वो आपका परकुलेशन होगा, आपके ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा. देन थर्ड, दिस इज अ थर्ड वन. देन फोर्थ वन इज अ पार्क से कलेक्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉल. सो दिस वाज अ थर्ड थर्ड वे. द फोर्थ वे इज फ्रॉम पार्क वी कैन कलेक्ट द वाटर एंड वी कैन स्टोर द वी कैन स्टोर द वाटर इन द स्टोरेज टैंक, देन वी कैन यूज फॉर अ प्लांट वाटरिंग एंड देन दैट विल गो फॉर इनफिल्ट्रेशन. प्लांट वाटरिंग करेंगे तो पानी सीधा मतलब रूट में ही जाना है, यानी सॉइल में ही जाना है, इनफिल्ट्रेट होगा और वो ग्राउंड वाटर में चले जाएगा. दिस इज द फोर्थ वे. एंड फिफ्थ वे इज लाइक कि आपका रूफ टॉप आपने वाटर कलेक्ट किया, उसको सोलर टैंक में आपने कलेक्ट किया, देन यू कैन यूज फॉर अ प्लांट एंड वाटरिंग, देन अगेन इट विल गो फॉर इनफिल्ट्रेशन, देन इट गो फॉर अ ग्राउंड वाटर. सो दिस इज द फिफ्थ फिफ्थ वे, द फिफ्थ सिस्टम ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो आपने देखा यहाँ पे कि आपके पांच सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के. तो बेसिकली हम जो ज्यादा यूज करते हैं, वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ रूफ रूफ टॉप वाला हम ज्यादातर यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है. वी आर यूजिंग दिस सिस्टम. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द टाइप्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वो सब हम देखेंगे कौन कौन सा, जैसे बेसिकली रूफ टॉप हार्वेस्टिंग क्या है, उसमें हम लोग कल फोकस करेंगे, ठीक है. और एक आधा ये और केस स्टडी लेता हूँ मैं इसमें, ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास. इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट, सो यू कैन स्टे ओवर हियर एंड आस्क द क्वेश्चन. इफ नॉट देन यू कैन लीव फॉर योर रिसर्च ब्रेक.